जी बबलू जी बात कर रहे हैं, आज एक नई फिल्म की शुरुआत है, आप हैं, दिव्या जी हैं, साहब लाल धारी जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं क्या कहना चाहूँगा, आपने इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे हाथ में दे दिया है और वाकई में आज एक नई फिल्म की शुरुआत है जिसको बोलते हैं हर हर महादेव हम सब बोलेंगे, क्योंकि ये है बनारस, बनारस बोले तो बाबा भोलेनाथ की नगरी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आनंद जी के साथ तीसरी फिल्म कर रहा हूँ। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं आनंद सिंह जी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान, नेक दिल इंसान, खूबसूरत फिल्में बनाते हैं। इसके जो DOP हैं वो साहिल जैन सारी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इसकी जो हीरोइन है आपके सामने खड़ी हैं, खूबसूरत सी दिव्या द्विवेदी जी, इन्होंने पहली फिल्म बबली की बारात किया है, दूसरी फिल्म किया है, तीसरी चौथी फिल्म कर रही हैं, और मैं ऐसे इनको बोलूँगा कि ऐसी फिल्म करती रहें। तो एल्बम बहुत सारा इन्होंने किया है, इन्हीं का बनारस है और बनारस में ये पली बड़ी हैं, बहुत सारा एल्बम इन्होंने किया है, पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ, कल्लू जी के साथ, बहुत सारे एल्बम हैं। और बहुत अनुभवी हैं, बहुत अच्छी हैं, एकदम शांत रहती हैं। तो खैर चलिए हम बात करेंगे प्रेम रंग। तो इस प्रेम रंग में क्या है, इसके जो हीरो हैं प्रमोद प्रेमी जी हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान, अच्छे सिंगर, अच्छे एक्टर, दिव्या द्विवेदी जी की जोड़ी उनके साथ कैसी रहेगी ये तो बताएंगे, ऑडियंस बताएगी, आप लोग बताएंगे, बाकी हम बात करेंगे अभी दिव्या जी से। दिव्या जी बताइएंगे आप प्रेम का रंग कैसे रंगेगा? बस प्रेम का रंग सभी के साथ रंगेगा, अच्छा ही रंगेगा जैसा रंगेगा। तो कैसा लग रहा है आपको इस प्रेम के रंग में काम करते हुए, आनंद जी के साथ काम करके कैसा लग रहा है? आपकी दूसरी फिल्म है उनके साथ, हाँ जी, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है? आनंद जी के साथ तो काम करके बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली उनका जो डायरेक्शन है वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। जो इसके DOP हैं, जो साहिल जैन सारी हैं, उनका भी काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस अच्छा लगता है। और प्रेम रंग तो एक अलग ही एक स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, नामी काफ़ी है। हाँ नामी काफ़ी है। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये दिव्या जी का बात काट रहे हैं, इनका नाम है साहब लाल धारी। एक्चुअली साहब कुछ है नहीं है, साहब लोग बोलते हैं, इनसे कोई डरता वरता नहीं है, तो आइए हम इनसे भी बात कर लेते हैं। तो सॉरी मैं इधर आ गया राम जी। तो साहब लाल धारी जी, ये जो आपने गेटअप लिया है जी, हर फिल्म में ऐसे ही रहता है आपका हमेशा गेटअप, तो इसका क्या राज है? अभी बोलिएगा मत, अभी मैं बोल रहा हूँ सर जी। तो ये जो फिल्म है प्रेम रंग, इससे पहले हम दोनों ने फिल्म किया है जिस फिल्म का नाम है शुभ विवाह। हाँ आप भूल जाते हैं। हाँ तो हम दोनों भाई हैं, बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं, बहुत नेक दिल इंसान हैं, और ऐसे ही हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो हम पूछेंगे साहब लाल धारी जी से, इस फिल्म में आपका क्या कैरेक्टर है और कैसा लग रहा है आपको? आपका भी बनारस है जी। तो मैं पहले सर्वप्रथम मैं जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं जी, मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और चरण स्पर्श करता हूँ कि आज आप लोग के आशीर्वाद से जो भी कुछ हो रहा है, आप लोग के आशीर्वाद से हो रहा है। और हमारे बबलू भैया भी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं इनको देख करके सीखता हूँ कि एक्टिंग क्या होता है। मैं बहुत चीज़ें सीखा हूँ, मैं क्या गिनाऊँ, अगर गिनाने लगेंगे तो मेरा सीन खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो मैं बताऊँगा नहीं। तो बहुत कुछ सीखा हूँ मैंने इनसे, और दिव्या जी के साथ हमने कई फिल्में की हैं और कई एल्बमों हम लोग साथ किए हैं, और बहुत पुराने हम लोग जिसे कहा जाए शुरुआत हम लोग साथ में ही किए थे, शुरुआत हम लोग साथ में किए थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रेम रंग में तो एक बार फिर से हम लोग शूट पे हैं प्रेम रंग में। तो रही बात प्रेम रंग की, तो मैं सबको मैं बता दूँ, इसके अंदर आपको दिखेंगे प्रमोद प्रेमी जी हीरो हैं, दिव्या द्विवेदी जी हीरोइन हैं, संजय पांडे भैया हैं, बालेश्वर जी हैं, समर्थ चतुर्वेदी जी हैं, अयाज खान जी हैं, विनीत विशाल जी हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे। खैर बात करेंगे, मैं भी इस फिल्म में नज़र आऊँगा, मुझे मत भूलिएगा। तो दिव्या जी मैं आपसे पूछूँगा कि आप कैसा महसूस हो रहा है आपको, और इसके आगे कौन सी फिल्म आपकी आने वाली है या और कौन सी फिल्में हैं? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और आगे फिल्म आएगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा, आप लोगों को बताएंगे। साहब लाल धारी जी आपकी कौन सी फिल्म आ रही है? देखिए अभी मेरी जो फिल्म आ रही है खेसारी जी की, और फिल्म बहुत अच्छी बनी है, एक पारिवारिक फिल्म है, फिल्म का नाम है बाप जी। फिर उसके बाद ससुराल बड़ा सतावला आ रहा है, तो मैंने कई फिल्में लगातार आ रही। तो फिल्मों की बात किया जाए तो आपने अभी मुझे लगता है कि हजारों फिल्में आप कर चुके हैं। सर ये गलत आप बोल रहे हैं, मैं हजार नहीं, कम से कम
कम से कम 42-43 फिल्में कर चुके हैं। अच्छा 42-43 छोटे बड़े फिल्में मिला करके 42-43 फिल्में कर चुके। काश मुझे इतना मौका मिलता, मैं भी 42-43 फिल्में कर सकता। मैं भी अभी 42-43 फिल्में मैं कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी 26 लाइन फिल्म में लाइन में लगा हुआ। जैसे कि अभी मैं यहाँ हूँ, 5 तारीख से मैं इलाहाबाद में हूँ, 12 तारीख से धनबाद में हूँ, 20 तारीख से गोरखपुर में हूँ। बस एक्चुअली मुझे जलन सी होने लगी, क्योंकि मैं तो ये फिल्म करने के बाद बम्बई जाने वाला हूँ। और सॉरी मैं कहूँगा खेसारी भैया का, क्योंकि खेसारी भैया का फिल्म अभी 9 तारीख से शूट होने जा रहा है, पराग पाटिल सर उसके डायरेक्टर हैं, फिल्म का नाम है इश्क। चलिए तो अच्छी बधाई हो आपको, तो बहुत सारी फिल्में छूट गया है, वो छूट गया क्योंकि डेट ना रहने कारण आज की फिल्म। पराग सर तो देख लीजिए, ये आपके फिल्म का नाम गलत बोलते हैं। नहीं गलत हो गया, सॉरी सर, तो वो फिल्म हमसे छुट्टी है, मैं सॉरी कहूँगा इसलिए कि डेट नहीं था, इसलिए नेट बार मैं आपके साथ कर रहा हूँ। चलिए तो हम दिव्या जी, थैंक यू, और साहब लाली जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे अच्छी बात हमारे राम भाई, और मुझे लगता है कि राम सर मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं 9 महीना यहाँ शूटिंग करते रहा, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9 महीने में बहुत सारी फिल्में मैंने किया, उसमें से हर सेट पे राम चाहे मैं जौनपुर रहूं, चाहे मैं बस्ती रहूं, इलाहाबाद रहूं, लखनऊ रहूं, आगरा रहूं, दिल्ली रहूं, हर जगह 9 महीना में बॉम्बे था, फिर बॉम्बे कम बैक, अभी वापस मैं इधर आया हूं शूटिंग करने, गुजरात रहूं, हर जगह पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत मेहनत करते हैं राम जी, तो तहे दिल से आपका भी शुक्रिया कि आप हमें ऐसे दिखाते हैं ताकि लोगों तक हम लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग सब जगह पहुंच सकें। और थैंक यू बॉलीवुड सिनेमा, भोजपुरी कनेक्टेड, मनोरंजन, मेट्रो, इन सब को तहे दिल से शुक्रिया। राम भाई शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू। बात करें जिस फिल्म का आप शूटिंग कर रहे हैं, इस फिल्म में यूथ स्टार प्रमोद प्रेमी यादव जी हैं, उनके साथ पहली बार आप स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो आपके हीरो हैं प्रमोद जी? बहुत ही अच्छा, पहली बार हो रहा है, मतलब मैं काफ़ी दिन से करना चाहती थी उनके साथ काम, लेकिन बहुत टाइम बाद ऐसा मौका मिला है, अब काम करेंगे, अच्छा लगेगा। और अभी मैं उनके अपोजिट हूँ, देखती हूँ कैसा क्या होता है आगे। कैसे ट्यूनिंग रहने वाली है, इतने बड़े स्टार हैं? अभी तक तो एक साथ कैमरा फेस नहीं किया है, लेकिन भगवान का है कि अच्छा ही होगा। उनसे मिले, बातें हुई, तो कैसा लगा उनसे मिलके? उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, हालांकि हमारी ज़्यादा बातचीत अभी हुई नहीं है, लेकिन जो भी बातचीत हुई है बहुत अच्छी हुई है। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उनसे मेरी आज से 4 से 5 साल पहले से जान पहचान हुई है। उनकी फिल्म की थी मैंने बबली के बारात, काफ़ी अच्छा मेरा करेक्टर था उसमें, काफ़ी अच्छा लगा था वो टीम, और वही टीम पूरी इसमें है अपने प्रेम रंग में। इसके प्रोड्यूसर है डीएन सिनेमा। बस डीएन सिनेमा बड़ा यूनिक नाम है, बताना चाहें डीएन सिनेमा का फुल फॉर्म क्या है और क्या है राज डीएन सिनेमा का? जी हाँ, डीएन सिनेमा सच में बहुत ही यूनिक नाम है, और ये बैनर इसलिए आया है कि इसमें नए कलाकारों को कुछ अच्छा मौका मिलेगा, कुछ आगे करने का मौका मिलेगा, और बस लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो अच्छा ही कुछ होगा जी। तो कुछ अपने बारे में बताइए, अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा, पहली फिल्म से लेके अब तक का सफ़र तो मेरा बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था। काफ़ी आज से 4 से 5 साल पहले एक फिल्म की थी मैंने, बहू रानी, जिसके डायरेक्टर थे पराग पाटिल जी। काफ़ी अच्छी कास्टिंग थी उसकी, काफ़ी अच्छा सब कुछ था, अच्छा काम रहा। फिर मैंने धीरे धीरे आगे फिल्में की, 1, 2, 3, 4 फिल्में की, फिर उसके बाद फिल्म की बबली के बारात, फिर जो स्टार्ट हुआ मेरा सफ़र, तो उसके बाद सलाखे, और भी काफ़ी फिल्में हैं। जो आपका फिल्में करियर है, जिसे आपने बताया 1.5 फिल्में की हैं, तो वाकई बड़ा शानदार करियर है, तो आपका ड्रीम रोल क्या है, आप किसकी तरह अपनी छवि बनाने वाली हैं, आपके आदर्श कौन हीरो हीरोइन हैं? मेरे आदर्श तो माधुरी दीक्षित जी हैं, मेरी फेवरेट। बस यही चाहती हूँ कि कुछ नहीं, एक अलग छाप छोड़ूँ, दिव्या द्विवेदी वाली ही छाप छोड़ूँ, बस अच्छा काम करूँ जिसमें लोगों के दिलों में जाऊँ, बस यही चाहती हूँ। भोजपुरी के 3 सुपरस्टार हैं, निरहुआ जी, पवन सिंह जी, खेसारी जी,
तो इन तीनों में किस स्टार के साथ है आप स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं या किसे आप ज़्यादा लाइक करते हैं? पवन सिंह जी, ये निरहुआ जी हैं, दिनेश लाल निरहुआ जी, खेसारी जी हैं, पवन सिंह जी, सभी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी सुपरस्टार हैं, लेकिन मेरे फेवरेट हैं पवन सिंह जी और मैं चाहती हूँ कि मैं इनके साथ काम करूँ। अब देखो कब होता है। तो पवन जी का क्या खासियत आपको प्रभावित करती है, अट्रैक्ट करती है? मुझे उनका सॉन्ग्स पसंद है, उनका माचोपन पसंद है, एक स्ट्रॉन्ग मैन है वो। और क्यों नहीं, हर लड़की चाहती है, हर लड़की के मतलब दिलो दिमाग में वही है, तो मेरे भी है। पवन जी के गाने पसंद आते हैं? हाँ जी, पवन जी के गाने पसंद है, पवन जी के गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैंने एक सॉन्ग किया भी है उनके साथ, सतरंगी कलर, पता नहीं अब कब मौका मिलेगा। ये गाना कब आया था? कब आया था मुझे भी नहीं याद है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.